अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र के दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। दूसरे टॉपिक जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे वो बैंकिंग है। बैंकिंग को समझने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो इसका विकास है, किस तरीके से बैंकिंग का विकास हुआ। जब मनुष्य प्राचीन समाज में था, प्राचीन काल में, तो उसके द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार किए गए, मनुष्य के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार किए गए उसमें से एक आग का आविष्कार था और दूसरा जो है हमारा पहिए का आविष्कार था। और जो हमारा तीसरा है वो हमारा मुद्रा का आविष्कार था। इसके प्राचीनतम साक्ष्य हिंदुस्तान की या भारतवर्ष की सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता में भी मिले हैं। जो ये आविष्कार थे इसने मानव के संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर दिया। देखते हैं किस तरीके से मनुष्य जब प्राचीन समय में था या प्राचीन काल में था तो किस तरीके से वो वस्तु विनिमय पर आश्रित था। तो वस्तु विनिमय से प्रारंभ होकर कोई व्यवस्था प्रारंभ होकर कोई व्यवस्था वर्तमान समय में क्रिप्टो करेंसी तक आ गई है। इसके अगर विकास को सर्वप्रथम अगर हम देखें तो वस्तु विनिमय के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप आता है वो हमारा था धातु निर्मित मुद्रा। इसमें विभिन्न धातुओं से या धातुओं को मिश्रित करके मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। इससे निर्मित कुछ जो मुद्राएं थी उसमें सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, कांसा इत्यादि थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से पेपर मुद्रा, ये हमारा पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप, और तीसरा जो हमारा स्टेप था ये किस तरीके से पेपर मुद्रा, और पेपर मुद्रा के साथ साथ में मिश्र धातु से बनी हुई सिक्के, मिश्र धातु से बने हुए सिक्के, ये अस्तित्व में आते हैं। फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक रूप में मुद्रा अस्तित्व में आई। वर्तमान पर समय में भी इसका प्रचलन जारी है। इसमें देखेंगे किस तरीके से हम लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि का यूज कर रहे हैं। और जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस फील्ड का वो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा निर्मित बिटकॉइन। बिटकॉइन इंग्लिश में जो टर्म यूज हुआ है वही हिंदी में होगा, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। और इससे निर्मित जो हमारी मुद्रा है वो क्रिप्टो करेंसी।
कई देशों ने अभी क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार नहीं किया। लीगल टेंडर का मतलब होता है जब कोई भी देश किसी करेंसी को, किसी देश की जो सरकार होती है वो उसको एक वैधानिक स्वरूप प्रदान करती है। देखिए इसमें जब आगे हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये काम करती है। सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हम भारतीय परिदृश्य में देखने का प्रयास करते हैं किस तरीके से जो मुद्रा है वो अस्तित्व में आई और किस तरीके से ये वर्तमान समय में इसका जो बैंकिंग सेक्टर है या बिटकॉइन में भी कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जो मुद्रा वर्तमान समय में जो प्रचलन में है, मुद्रा वर्तमान समय में जो मुद्रा है, वर्तमान समय की मुद्रा कौन सी है जो हम लोग नोटों का यूज करते हैं, नोट या फिर सिक्कों का जो यूज करते हैं, ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं और कैसे जारी किए जाते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसका इतिहास भी है लेकिन जब हम इसके बाद वाणिज्यिक बैंकों के बारे में पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, थोड़ा इसके बारे में पहले समझने का प्रयास करते हैं। ये जो नोट और सिक्के होती हैं, अगर हम सभी सिक्कों या फिर एक रुपए का नोट अगर इसको छोड़ दें तो बाकी सभी जो नोटे हैं ये RBI के द्वारा जारी की जाती हैं। लेकिन जो हमारे ये सिक्के या एक रुपए का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। RBI जब इसको जारी करती है, नोटों या सिक्कों को जारी करती है, तो किस क्या स्टैंडर्ड फॉलो करती है कि RBI का जब मन करेगा तब पैसे छाप देगी, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। उसके लिए कुछ रूल्स नियम बने हुए हैं, उसी के अनुसार वो नोटें निर्गमित करती है। RBI के बारे में भी हम डिटेल से जानकारी लेंगे। देखिए नोट व सिक्के जारी करने के लिए RBI कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कि रिजर्व रेशियो जो हमारा है, अनुपात का पालन करती है। ये टर्म और भी हम कहीं पढ़ेंगे जब बैंक के बारे में जानेंगे, जो बैंक रेट होते हैं उससे संबंधित। इसमें क्या है, जो हमारा ये है आरक्षित नकदी अनुपात जो है, एक वित्तीय वर्ष में RBI या केंद्रीय बैंक जो है हमारा, वो 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के सिक्के या 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मुद्रा जारी नहीं कर सकता। मतलब मैक्सिमम अमाउंट है और इसको जारी करने के लिए उसके पास मिनिमम 200 करोड़ रुपए या 200 करोड़ मुद्रा होनी चाहिए जो अलग अलग फॉर्म्स में होगी। इसमें से 115 करोड़ जो होगा वो विदेशी मुद्रा के रूप में हो और जो 85 करोड़ रुपए होगा, 85 करोड़ का हमको गोल्ड रिजर्व रखना होगा, RBI को रखना होगा, तब वो इतनी मुद्रा छाप सकती है। ये हमारे जो सिस्टम था इसको फॉलो किया जाता है। वर्तमान समय में जो है हमारी, ये थोड़ा सा इसको अगर हम रफ कर दें दोबारा इसको बता देते हैं, 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। 115 करोड़ का गोल्ड हो और 85 करोड़ का हमारा ये फॉरेन करेंसी। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसको आप लोग इम्प्रूव कर लीजिएगा। ये हमारा, ये फॉरेन करेंसी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इसमें डॉलर, येन, पाउंड, SDR,
इस तरीके से जो सर्वमान्य मुद्राएं होती हैं उनके फॉर्म में हम इसको रखते हैं। आगे हम जब इतना सारा पैसा जारी किया जाता है तो बैंक पता कैसे करेगी, आरबीआई कैसे पता करती है कि मार्केट में कितना पैसा या मुद्रा की आपूर्ति कितनी है। इसके लिए कुछ नियम या कुछ सूत्र का विकास किया गया जिसमें से हम देखेंगे किस तरीके से मुद्रा की आपूर्ति जो होती है, मुद्रा की आपूर्ति की गणना के लिए, मुद्रा की आपूर्ति की गणना के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ये सूत्र जो है वो सेकंड वर्किंग ग्रुप, सेकेंड वर्किंग ग्रुप के द्वारा विकसित किया गया, जो 1970s के बाद या 1970s में हुआ, 1977-78 के आसपास की बात है, ये जो 1970s में हुआ ये विकसित किया। इसके अनुसार जो मुद्रा की जो गणना होती है उसमें उसके कुछ एलिमेंट होते हैं जिनको हम डिनोट करते हैं M1, M2, M3, M4। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये थोड़ा सा याद करने वाले हैं। जो हमारी मुद्रा की आपूर्ति M1 है उसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं, उसमें जो हमारा फार्मूला होता है C+DD+OD, हम टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, करेंसी इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, ये बैंक्स के बारे में बात हो रही है। और ये करेंसी इन हैंड, ये लोगों के पास या जनता के पास में कितनी करेंसी हाथ में, ये बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट या अदर डिपॉजिट्स के फॉर्म में मुद्रा होती है, ये सर्वाधिक तरल मुद्रा होती है, सर्वाधिक तरल मुद्रा होती है ये, लेकिन सबसे नैरो होती है, मतलब ये सबसे इस मुद्रा आपूर्ति का सबसे संकुचित रूप है ये। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे M2 में हम जब बात करेंगे तो इसमें जो हमारा होगा वो M1 होगी, और प्लस जो डाकघर की जो जमाएं होती हैं, डाकघर की जो जमाएं होंगी, डाकघरों की जमाएं, देखिए डाकघर की जो जमाएं होती उसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें जो होती हैं जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम, इस तरीके की योजनाएं, और जो सावधिक जमाएं होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। इस टर्म को आप लोग नोट कर सकते हैं, इसमें बचत खाता और बचत योजनाएं जो होती हैं वो शामिल किया जाता है। इसमें बचत खाते में जो पैसा होता है उसको, प्लस बचत योजनाओं में जो लोग डालते हैं उसको शामिल किया जाता है। ये हमारा M2 हो गया। अब M3 हम बात करते हैं, M3 क्या होता है, जो M3 होता है वो M1 प्लस जो बैंकिंग सेक्टर है, जो हमारा जो बैंकों की सावधिक जमाएं होती हैं, जो फिक्स डिपॉजिट होता है, बैंकों की सावधिक जमाएं, इसमें सावधिक जमाओं का मतलब जो फिक्स डिपॉजिट, जैसे 7 साल में इतना 1000 रुपये इन्वेस्ट करके आपको 1700 या 1800 या 2000 रुपये मिलने की, ये जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। और जो M4 होता है उसमें ये देखेंगे कि M3 शामिल होगा, मतलब ये वाला पोर्शन अगर हम इसको और एलोबरेट करेंगे तो C+DD+OD प्लस बैंकों की सावधिक जमाएं, और उसके साथ में जो हमारा डाकघर है, डाकघरों की समग्र जमाएं जो होंगी, मतलब अब डाकघर की जो समग्र जमाएं होंगी, जो सभी किसी भी फॉर्म में रुपया जमा होगा वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। इसमें बचत खाता, बचत योजना, और जो सावधिक जो जमाएं होती है, मतलब फिक्स डिपॉजिट जो डाकघरों में किया जाता है, उसको भी शामिल कर लिया जाता है। जैसा कि हम पहले भी आपको लोगों को बता चुके हैं कि ये बैंकिंग का मेन फैक्टर है,
यहाँ से मुद्रा आपूर्ति जो होती है वो सुनिश्चित की जाती है। ये M1, M2, M3, M4। M1 में हमारा करेंसी इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, ये सर्वाधिक तरल मुद्रा होती है। लेकिन तरल होने का मतलब क्या है, इसको भी हम एक्सप्लेन कर दें। जैसे इस चीज़ से आप कोई भी सामान तुरंत में खरीद सकते हैं। जैसे आप किसी दुकान पर जाएंगे तो आपके पास अगर नोटें हैं या सिक्के हैं तो आप एक मार्कर, एक पेन, एक बिस्किट, कुछ भी खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ में थोड़ा सा डिमांड डिपॉजिट होगा, वो भी आप अगर बैंक जाएंगे तो उसको बैंक आपको डिमांड डिपॉजिट ले लेगी और उसके बदले में आपको कुछ पैसा वो दे देगी जो जो डिमांड पर, जो उस पेपर पर लिखा होगा। ये अदर डिपॉजिट्स में भी होगा। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे हम नीचे M2 में जाएंगे, इसकी तरलता घटती जाएगी। तरलता घटने का मतलब ये है कि इसकी जो क्रय करने की क्षमता होती है, विनिमय का जो कैपेसिटी होती है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे M1 C+DD+OD जो सर्वाधिक तरल मुद्रा है, और M2 जो मुद्रा की आपूर्ति कैलकुलेट करने के लिए इसमें M1 प्लस डाकघरों की जो जमाएं होती हैं। डाकघरों की जमाओं में स्पेशली मैंने बताया कि बचत खाता और उसके साथ साथ जो बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट किया जाता है लोगों के द्वारा, उसको शामिल किया जाता है। तीसरा हमारा है M3। M3 में M1 प्लस बैंकों की सावधिक जमाएं शामिल होती हैं। बैंकों की सावधिक जमाएं जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसको शामिल किया जाता है, और M4 जो है वो M3 प्लस डाकघरों की समग्र जमाएं होती हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसके माध्यम से ये मुद्रा आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। चलिए थोड़ा सा हम लोग अब इसके पीछे चलते हैं, किस तरीके से हिंदुस्तान में, भारत में बैंकिंग सेक्टर का या बैंक क्षेत्र का विकास हुआ, इसके बारे में बैंकों के विकास के इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, कैसे किस तरीके से ये आगे बढ़ता है। हम अगर बैंकों के विकास के बारे में जानकारी लें देखिए, सबसे पहले 1770 के आसपास की बात है, एक बैंक खुलती है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये अलेक्जेंडर एंड ब्रदर्स के द्वारा खोली गई थी। ये कुछ विदेशी लोगों के प्रयासों से खोली हुई बैंक थी। उसके बाद कुछ 1800 के बाद बैंकें खुलती हैं। ये कुछ समय के बाद ये भारत में बंद हो गया, कुछ समय के बाद, एग्जैक्ट टाइम नहीं इसका पता है क्योंकि यही लिखा नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद ये लिखा है कि ये बंद हो जाती है। तो ये जब बंद हो गई तो उसके बाद 1800 में इसमें बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, अब बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीन खुलती हैं। अब सबसे पहले इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और विकास जान देते हैं। 1921 की बात है, इन तीनों को मर्ज करके एक इंपीरियल बैंक का गठन किया जाता है। थोड़ा सा और आगे जब इसी में बढ़ेंगे तब फिर कुछ समय के बाद 1850 के बाद 1860-70-80 में आफ्टर 50s अलाहाबाद इसकी डेट 1965 है एग्जैक्ट में, जब इलाहाबाद की संधि होती है तो उसी समय ये जो हमारा इलाहाबाद बैंक है ये खोला जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। उसके साथ में अगर हम ध्यान देंगे कि ये भारत में इसी नाम से कार्यरत सबसे प्राचीन बैंक है, ये वर्तमान समय में भी कार्य कर रहे हैं। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 1994 के आसपास में भारत में जो भारत का पहला बैंक था जो भारतीय लोगों के इन्वेस्टमेंट से बना, पंजाब नेशनल बैंक वर्तमान समय में भी कार्य कर रहा है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूपेण से भारतीय बैंक जिसका विकास हुआ।
तो कुछ बैंकिंग सेक्टर का विकास इस तरीके से हुआ। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर का विकास हुआ। अगर हम बैंकों को क्लासिफाई करें, बैंकों का वर्गीकरण करें, तो किस प्रकार से हम बैंकों को बांट सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर को किस तरीके से बांट सकते हैं। देखिए, सबसे जो मेजर बैंक है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, RBI, मतलब ये केंद्रीय बैंक है। RBI, अगर हम RBI के अधीन बैंकों को बांटें तो बैंकें कुछ चार भागों में बांटी जा सकती हैं। सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, दूसरा अगर हम बांटें तो हमारा रीजनल बैंक्स हो जाएगा, ये क्षेत्रीय बैंक होती है, जो हमारा तीसरा बैंक हम बांटें तो कोऑपरेटिव, सहकारी बैंक हो जाती, और जो हमारा चौथा बैंक है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मतलब कि गैर बैंकिंग वित्तीय इंटरमीडियरी संस्थाएं कहले हम संस्थाएं। इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन था मेजर कि RBI के अधीन जो बैंकें बांटी जाती हैं। अब और आगे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकें भी दो तरीके की होती हैं, एक निजी बैंक और एक सरकारी बैंक। निजी बैंक के बारे में जानकारी ले लें, एक होता है हमारा पब्लिक बैंक यानी कि सरकारी, और एक होता है प्राइवेट यानी कि निजी। ये पब्लिक बैंक हो गई और ये प्राइवेट बैंक हो गई। देखिए, पब्लिक बैंक कौन कौन सा है? पब्लिक बैंक भी दो तरीके से वर्क कर सकता है। अगर हम कहेंगे कि नेशनलाइज्ड बैंक हो जाएगा, एक हो जाएगा SBI और एक हो जाएगा नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत। SBI देखिए किसका मर्जर है, आगे मैं बता रहा हूँ, 1956 की बात है। इम्पीरियल बैंक का नाम जो है वो बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके साथ 6 बैंक और बैंकों को रख दिया गया। नेशनलाइज्ड बैंक यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंकें, वो बैंकें थी राष्ट्रीयकृत बैंकें, वो बैंकें जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया सरकार के द्वारा, उसमें कुछ नियम थे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1969 में लगभग 14 बैंकों को राष्ट्रीय बैंकों में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद एक और फेज आता है आफ्टर 1980 के बाद 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में कुछ बैंकों का मर्जर हुए जाने के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या में कुछ कमी आई है। तो ये प्राइवेट बैंक के लिए भी कुछ सिस्टम था। प्राइवेट बैंक जो थी उसमें जब क्लासिफाई किया गया, विभाजन किया गया, तो भारतीय निजी बैंक हो जाएगा और एक विदेशी निजी बैंक होगा। एक भारतीय निजी बैंक और दूसरा जो है वो विदेशी निजी बैंक। ये हमारा प्राइवेट बैंक का क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम क्षेत्रीय बैंकों के बारे में जानकारी लेते हैं। क्षेत्रीय बैंकें जो सरकार के सहयोग से खोली जाती हैं, ये इसमें सरकार, सेंट्रल, स्टेट और बैंक की रिस्पांसिबिलिटी होती है। जो उस क्षेत्र में सर्वाधिक मेजर बैंक होगा, कॉमर्शियल बैंक ये वाला, इस क्षेत्र का जो राष्ट्रीयकृत बैंक होगा इसकी पूंजी होगी। सहकारी बैंकों के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ये स्पेशलाइज्ड बैंकें होती हैं जो कृषि से संबंधित लोगों के लिए उपलब्ध होती हैं।
और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इनको इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से भी जान सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक और डेवलपमेंट बैंक। इसमें देखेंगे कि निवेश बैंक के और एक विकास बैंक के। निवेश बैंक के जो इन्वेस्टमेंट पर्पजेस के लिए स्थापित की जाए, और विकास बैंक के जो देश के विकास के लिए कुछ जो ऋण उपलब्ध करवाती हैं इसके अंतर्गत आती हैं। जो डेवलपमेंट बैंक के होती हैं उनमें से कुछ बैंकों के नाम जैसे IDBI, और दूसरा जो है हमारा IFCI। इस तरीके से जो बैंकें हैं ये डेवलपमेंट बैंक है, और निवेश बैंक जो हैं वो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब जो बैंकें हैं ये निवेश बैंक हैं। तो जो कॉपरेटिव बैंक के बारे में मैंने बताया, ये स्टेट स्तर की भी होती हैं और सेंट्रल की भी होती है और प्राइमरी लेवल की होती है, मतलब कि राज्य स्तर, केंद्र स्तर और जो हमारा होगा प्राथमिक स्तर, ये तीन स्तर की होती है। और जो हमारी रीजनल, ये सब सिस्टम था किस तरीके से हमने जो बैंकों का विभाजन है हिंदुस्तान में ये हमने किया। आप लोग देखेंगे इसको हमने चार भागों में बांटा, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। ये एक सिस्टम था, इसी के आगे हम डिस्कशन कल करेंगे, कल की क्लास में बैंकिंग का सेकंड टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।